हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि पीपीटी प्रेजेंटेशन कैसे बनाया जाता है ओपन ऑफिस के अंतर्गत। तो यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग है। पीपीटी प्रेजेंटेशन के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने के बाद हमारे पास अलग अलग पेज आ जाता है। इस टाइप का पेज, यहाँ से इस तरीके का हम पेज, अलग अलग फॉर्मेट में हम जो स्लाइड बनाते हैं उसको एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे इस स्लाइड में मुझे कुछ लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ व्हाट इज ओपन ऑफिस, हाउ टू यूज ओपन ऑफिस फॉर पर्सनल डाटा मैनेजमेंट। तो इस तरीके से हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसमें चलिए, इसको हमको अगर बड़ा छोटा करना है तो हम यहाँ से, अगर मुझे किसी भी प्रकार का अल्फ़ाबेट चेंज करना है तो इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यदि मुझे इसमें बोल्ड लगाना है तो बोल्ड लगा सकते हैं। उसी प्रकार इसमें और अगर हम चेंजेस लाना चाहते हैं, जैसे ये हमने यहाँ से पूरे का सिलेक्शन यहाँ से ले लेते हैं। अगर रोमांटिक की जगह में और कुछ लेना चाहते हैं, एरियल आपको करना है, रोमांटिक करना है, तो इस तरीके से हो जाएगा। इसमें इटैलिक फॉर्म में देना है हमारा जो टेस्ट लिखा हुआ है। इसको यदि हम यहाँ से सेलेक्ट करके इसको इटैलिक करना है तो इटैलिक कर सकते हैं। देखिए इंक्लाइन दिख रहा है। उसी प्रकार हम यहाँ से अंडरलाइन लगा सकते हैं। उसी प्रकार से हम यहाँ से एडजस्टमेंट कर सकते हैं अलग अलग टाइप का। अगर पॉइंट डालना है तो पॉइंट डाल सकते हैं दोनों के बीच में। यदि छोटा या बड़ा करना है, गैप बढ़ाना है दोनों टेक्स्ट के बीच में, तो हम आसानी से बढ़ा सकते हैं और कम ज़्यादा कर सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं कि हम इसकी जो साइज़ है इसको भी हम एडजस्ट कर सकते हैं इस तरीके से। यदि हमें इस टेस्ट को हटाना भी है या पास पास रखना है तो भी हम यहाँ से पास पास रख सकते हैं। तो ये काफ़ी यूज़फुल है यदि हम कोई भी पीपीटी बना रहे हैं तो। एडजस्टमेंट वेरी इम्पोर्टेंट, आपका एडजस्टमेंट अच्छा होना चाहिए तभी हम एक अच्छा प्रेजेंटेशन यहाँ पे दे पाएंगे और इसको एडजस्ट कर पाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।